कमला अपनी पांच बहुओं के साथ घर में रहती है। कमला की पांचों बहुओं को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा मेकअप में ही रहती है। ऐसे ही एक दिन कमला अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी बड़ी बहू सीमा को आवाज लगा रही थी। और जब सीमा कमरे से आती है तो कमला उससे बोलती है, अरे ये क्या है, तू अभी तो हूर लग रही थी और अब अचानक से इतनी बदसूरत कैसे लगने लगी? माँ जी, वो मैं अभी जा रही हूँ फेस मास्क लगाने के लिए, वो धो लिया है और मेकअप भी साफ कर लिया। आप बताइए क्या हुआ आपको, कोई काम था? नहीं, पहले तेरा काम जरूरी है, तू जा अपना फेस मास्क लगा करा और अपना पूरा मेकअप कर किया, वरना मैं तुझे ढंग से पहचान ही नहीं पा रही। क्या माँ जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं चेहरे पर मेकअप ही तो नहीं है, लेकिन चेहरा तो वही है ना मेरा। चेहरा वही है लेकिन इतना डरावना है, तुझे कोई बिना मेकअप के देखे तो सीधा परलोक की यात्रा कर ले। कमला की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद कमला अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि दूसरी बहू दीपा और पांचवी बहू गीता पूरे हॉल में सामान बिखेर कर एक दूसरे का मेकअप कर रही है। और ये सब देखकर कमला गुस्से में कहती है, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, अपनी शक्ल के साथ साथ घर का भी मेकअप करने में लगे हो, इतना गंद फैला दिया। माँ जी ये गंदा नहीं है, हम दोनों तो बस एक दूसरे का मेकअप कर रहे थे और इतना सा करने से घर गंदा थोड़ी होता है। अरे नासपिटी, जब तुझे मेकअप करना आता ही है तो दोनों अपने अपने कमरे में भी तो कर सकती थी ना, ये हॉल गंदा करने की क्या जरूरत थी? और अभी अचानक से घर में कोई आ गया और सब सामान ऐसे बिखरा देखेगा तो क्या सोचेगा? माँ जी मेकअप तो हम दोनों को ही आता है, लेकिन मुझे स्मोकी आई वाला पसंद है, लेकिन वो मुझे आता नहीं, इसलिए मैं दीदी से करवा रही हूँ। और मुझे 3D मेकअप अच्छा लगता है और वो मुझे आता ही नहीं है। क्यों, इतनी गर्मी में धूप में तुम दोनों को किसी की बारात में जाना है जो ऐसे मेकअप करके रहोगे घर में भी? जो हमें आता है वो करते रहना चाहिए, कहीं भूल गए तो। और वैसे भी घर में किसी को पूरा मेकअप तो आता नहीं है जो पार्लर खोल ले, इसलिए घर पे करते रहना चाहिए। तीनों बातें कर ही रहे थे कि कमला की चौथी बहू खुशी बहुत ही चटक मेकअप करके गाना गाते हुए कमरे से निकल रही थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, सजना है मुझे सजना के लिए, थोड़ी उलझी लटे सवार लूं। अरे ओ गरीबों की सिंगर, मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है तुझे, जा तू और जाकर झाड़ू लगा। अरे वाह, कितना अच्छा मेकअप किया है, तुमने कहाँ से किया है ऐसा मेकअप, ये तो मैंने अभी तक बस टीवी में ही देखा था। इसे एयरब्रश मेकअप कहते हैं और मैंने यही मेकअप सीखा है, अब तो शादी हो गई तो काफी टाइम हो गया, किसी को रेडी ही नहीं किया, आदत छूट जाती है ना। हाँ बस तेरी ही कमी थी, भगवान ने मुझे पांच बहुएं दी हैं, लेकिन पांचों निकम्मी दी हैं। मुझे लगा था कोई तो समझदार होगी, लेकिन यह समझदार तो क्या, समझदारी का एक अक्षर भी नहीं है एक में। माँ जी हम सब तो समझदार ही हैं, पता नहीं क्यों हम आपको समझदार नहीं लगते, वैसे भी मुझे मेकअप करने से खुशी मिलती है इसीलिए करती हूँ, अगर मेरी शादी नहीं होती तब तो मैं पूरा अच्छे से सीख लेती। सबकी बातों को रोकते हुए कमला की तीसरी बहू सुमन अपने कमरे से रोती हुई आती है और कहती है, माँ जी ये देखो ना, पता नहीं किसने मेरी मेकअप किट इस्तेमाल कर ली, एक तो वैसे ही मुझे मेकअप करना नहीं आता, जैसे तैसे करती हूँ कि पता नहीं कौन मेरी किट इस्तेमाल करके खत्म कर गया। कौन क्या, तुम में से ही कोई होगा, मैं तो करती नहीं हूँ, तुम लोग ही दिन भर पोती रहती हो, तो देख लो किसने किया है। सुमन सबसे पूछने लगती है और सबके साथ सीमा के कमरे में जाती है। सीमा को मेकअप किट का इस्तेमाल करते हुए देखकर बोलती है, दीदी आपने किससे पूछकर मेरी मेकअप किट ली है? पूछना क्या है, तुझे तो आता नहीं है मेकअप करना और जो भी करती खराब ही करती, तो मैंने सोचा मैं कर लूं, और वैसे भी मेरी मेकअप किट खत्म हो गई थी इसीलिए ले लिया। हाँ मुझे नहीं आता, लेकिन मैं करती तो हूँ ना, आपको तो पता है आप लोगों की तरह मुझे भी तो मेकअप करना अच्छा लगता है ना, तो क्यों लिया? इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है, जो तू इतना लड़ रही है, ऐसे तो मैंने बहुत बार खुशी और दीपा का मेकअप भी इस्तेमाल किया है, वो तो कुछ नहीं बोलती, आपने मेरा मेकअप क्यों लिया? मैं इतना संभल कर यूज करती हूँ, गीता का किट यूज कर तो मेरा गुजारा चलता है और आपने मेरा यूज कर लिया। क्या आप मेरा मेकअप लेती हो? सारी बहुएं आपस में लड़ने लगती है और थोड़ी देर बाद
कमला गुस्से में कहती है। अरे निकम्मियों, ये क्या चिड़ियाघर बना रखा है तुम सब ने, जिसके लिए इतना लड़ाई कर रही हो तुम सब, उसका हाल तो देखो। अब जरा जाकर आईने में शक्ल देखो अपनी, कि तुच्छा सा मेकअप निकल गया और असली रूप दिखने लगा। कमला की बात सुन के सब अपनी अपनी शक्ल देखने लगते हैं और वापस से सब अपना अपना मेकअप ठीक करती है, एक दूसरे की मदद भी करती है। ये देख कर कमला बोलती है, तुम लोग क्या हो, कभी मेकअप की वजह से लड़ाई करती हो तो कभी एक दूसरे का ही मेकअप करने लगती हो। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। पांचों बहुएं जब कहीं जाना हो तब तो तैयार होती ही थी, लेकिन जब घर पर रहना होता तो भी मेकअप में रहती। कुछ दिनों बाद सीमा का पति हितेन ऑफिस से घर वापस आता है और सबको एक साथ हॉल में बुला कर कहता है, अरे आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरा प्रमोशन हो गया है और कुछ दिनों में मेरे बॉस घर पर भी आएंगे। घर पर? घर पर क्यों आएंगे? प्रमोशन हुआ है तो घर आना जरूरी है क्या? वो यहाँ पर नहीं रहते, उन्होंने बस यहाँ अपना ऑफिस खड़ा किया है। इनकी कई सारी ब्रांचेज हैं और मेन ब्रांच मुंबई में है। यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए आए हैं, बोल रहे थे कि कोई मेकअप स्टूडियो खोल लेंगे, इसीलिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेंगे। प्रमोशन हुआ है तो मैंने उन्हें घर पर खाने पर इनवाइट कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, काश मैंने भी अच्छी तरह से मेकअप सीखा होता तो मैं भी इंटरव्यू दे देती। हाँ, हमारे घर का तो हाल ये है कि मेकअप सबको आता है, लेकिन कोई किसी में अच्छा है तो कोई किसी में, बस इतना आता है कि अपने तक ही सीमित है। चलो अब तैयारी कर लेना, परसों मैं अपने बॉस को घर लाऊंगा, ठीक है? इतना बोलकर हितेन अपने काम में लग जाता है और फिर एक दिन के बाद हितेन अपने बॉस कुणाल के साथ घर आता है और कमला की पांचों बहुएं जिसमें भी एक्सपर्ट थी उस टाइप का मेकअप करके आती है और टेबल पर सबके लिए खाना लगाने लगती है। वहाँ हितेन, कमला और कुणाल बैठे थे। कुणाल सबको इतना प्रोफेशनल मेकअप करते हुए आता देखकर बोलता है, अरे हितेन, ये सब तो पार्लर से तैयार होकर आई है, कहीं बाहर जाना है क्या? नहीं, ये तो घर पर ही खुद तैयार होती है, थोड़ा बहुत सबको कुछ ना कुछ आता है ना। लेकिन एक ये जो सुमन भाभी है सबसे नॉर्मल क्यों लग रही है? वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, इनमें से कोई स्मोकी आई में एक्सपर्ट है तो कोई एचडी मेकअप में, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हितेन, जब यहाँ सबको मेकअप आता ही है तो मैं जो इंटरव्यू ले रहा हूँ तुमने उसमें इनका नाम क्यों नहीं भेजा? हमें सभी तरह का मेकअप करना नहीं आता, हर किसी को एक ही स्टाइल का आता है। ये तो और भी अच्छी बात है ना, मैं जो मेकअप स्टूडियो खोल रहा हूँ वहाँ डिपार्टमेंट है अलग अलग मेकअप के स्टाइल के, तो बस फिक्स हो गया, जिसको जो मेकअप स्टाइल आता है वो वही करेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। चलो, तुम्हारे घर आने से मेरा आधा काम तो हल्का हो गया, और रही बात सुमन भाभी की, वो डिपार्टमेंट को लीड कर लेंगी और आगे जाके वो सीख लेंगी। हाँ, मेरी बहू का खुद के मेकअप करने के शौक से अब वो अपने सभी काम में भी आगे बढ़ सकती है। कुणाल की बात सुनकर सारी बहुएं बहुत खुश होती हैं और जिस भी टाइप का उन्हें मेकअप आता है उसे प्रोफेशनल की तरह करती हैं और उसका मेकअप स्टूडियो पांचों बहुएं मिलकर बहुत अच्छी तरह से संभालती है। कुछ ही दिनों में वो मेकअप स्टूडियो वहाँ का सबसे बड़ा और फेमस मेकअप स्टूडियो बन जाता है। प्रियंका एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की थी जिसे छोटी छोटी बातों पर अक्सर जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। कुछ ही टाइम बाद उसकी शादी निक नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं, तभी निक उसका घूंघट हटाने आता ही है कि वो चिढ़ और गर्मी की वजह से अपना घूंघट खुद ही हटा देती है और गुस्से में बोलती है, अरे क्या है, कितनी गर्मी हो रही है, निक जी प्लीज एसी ऑन कर दीजिए, ये भारी भारी ज्वेलरी पहनकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से इस जूड़े में 10 पिन ठोकती है, कैसे निकालूं? हाँ हाँ प्रियंका, मैं अभी चलाता हूँ। निक उसकी बात सुनकर एसी ऑन कर देता है और बोलता है, इसने तो अपने आप ही घूंघट हटा दिया, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ और रोमांस कर लेता हूँ मैं, आज मेरी सुहागरात जो है। आप खड़े खड़े कर क्या रहे हैं, किसे देख रहे हैं? अरे मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और गुस्सा भी आ रहा है। अरे यार, परेशान क्यों हो रही हो, अभी एसी ठंडा कर रहा है, चिल करो। ऐसे चिल करूं मैं, यहाँ गर्मी से बुरा हाल होता जा रहा है मेरा। अरे यार, ऐसे फेंक क्यों रही हो, थोड़ा शांत हो जाओ, अभी रूम ठंडा हो जाएगा, तुम अपनी ज्वेलरी को उतार लो ना, तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूं जूड़े की पिंस खोलने में। हाँ ठीक है, कर दो आप। कितना चिल्लाती है मेरी बीवी, इसे तो बोलने में भी डर लग रहा है मुझे। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं। ये बोलकर निक उसकी जूड़ा पिंस निकालने में मदद करता है, तभी उसके सर में दर्द होता है और वो निक को कोहनी मारकर बोलती है, आउच, ठीक से करो ना, कितना दर्द हो रहा है मुझे, मेरे बाल टूट जाएंगे,
दोबारा ऐसा किया ना तो फिर ना पेट में कोनिया ही मारूंगी, बोलूंगी नहीं कुछ। नहीं नहीं पक्का, अब ध्यान से करूंगा। इतना बोलकर निक आराम आराम से उसके सारे पिंस को निकाल देता है और उसका नेकलेस भी निकाल देता है, जिसके बाद वो उसे बेड से धक्का मारकर बोलती है, आपसे मैंने कहा था कि मुझे नेकलेस उतारने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, नहीं ना तो फिर क्यों आए आप? सॉरी सॉरी, अब आपसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करूंगा। यार ये तो बहुत खूंखार जहरीली सी बीवी है, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे अपने पास भी भटकने देगी। एक बार पूछूं क्या, लेकिन मेरी तो पूछने में भी फट रही है। प्रियंका अपनी ज्वेलरी उतार ही रही होती है कि निक की तरफ देखती है और बोलती है, क्या है ऐसे क्यों घूर रहे हो, कभी देखा नहीं है क्या किसी लड़की को, या बीवी बन गई हूँ तो ज्यादा खुशी हो रही है? नहीं वो मैं कुछ कहना चाहता था, मतलब हूँ कहना चाहता हूँ। आप ऐसे ही बोलती हैं क्या, मेरा मतलब आप प्यार से नहीं बोलती, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? देखिए निक जी, इस वक्त मेरी खोपड़ी पूरे तरीके से घूमी हुई है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मैं ऐसे वैसे किसी मूड में नहीं हूँ, तो आप भूल जाओ कि आज रात हमारी सुहाग रात होगी, ठीक है? ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, हाँ, और चुपचाप सो जाओ, कल बात करेंगे इस बारे में। मैं सो जाता हूँ, मैं बेड पर सोऊं क्या? चुपचाप सोफे पर पिलो लेकर चद्दर लेकर सो जाइए, मैंने कहा ना इस बारे में हम कल बात करेंगे। ये बोलकर प्रियंका उसके मुंह पर ब्लैंकेट फेंक देती है और फिर निक सहम कर अपनी बीवी के खौफ से वहीं सोफे पर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भी बेड पर पसर कर सो जाती है। अगले दिन प्रियंका जल्दी उठकर एक आदर्श बहू की तरह सारे घर का काम करती है और नाश्ता बनाती है। तभी वो अपने पति के पास हाथ में चाय का कप ले आती है और अपने गीले बालों से उस पर छींटे डालकर उसे जगाते हुए प्यार से बोलती है, सुनिए निक जी उठिए ना। भूत। अरे निक जी, मैं हूँ आपकी वाइफ प्रियंका, सुबह हो गई है, आपके लिए गरम गरम चाय लाई हूँ। अच्छा प्रियंका जी, आपने तो डरा ही दिया मुझे, ये आप ही है ना, कल रात को तो आप बहुत गुस्से में थी, अब ठीक है? सॉरी निक जी, गुस्से में ना मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, इसलिए ऐसे रिएक्ट करती हूँ। मैंने कहा था ना कि आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे, तो ये लीजिए आप चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। नहीं प्रियंका जी, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी पीता हूँ। पी लीजिए ना। नहीं पीनी जी, आप पी लीजिए। प्रियंका उसे प्यार से चाय ऑफर करती है, उतने ही प्यार से निक उसे मना कर देता है। ये देखकर वो फिर से इरिटेट हो जाती है और गुस्से में बोलती है, आप चाय नहीं पी सकते क्या? अरे मैं इतने प्यार से आपके लिए चाय बनाकर लेकर आई हूँ, ऊपर से आप उनके नखरे करे जा रहे हो। अरे लोग तरसते हैं कि उनकी नई नवेली बीवी उनके लिए चाय बनाकर लाए, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो आपसे पी नहीं जा रही है, मतलब आपको मेरा प्यार दिखाई ही नहीं देता, आप चाहते ही नहीं है कि हम दोनों के बीच की बात आगे बढ़ जाए। अच्छा अच्छा पीता हूँ। निक उससे डर कर ठंडी चाय फटाफट से पी लेता है, जिसके बाद प्रियंका उसे गुड बॉय बोलकर चली जाती है। और जिसके बाद वो रसोई में सब्जी काट रही होती है, तभी उसकी सास कुंती आती है और बोलती है, अरे बहू क्या बना रही है वैसे? खैर जो भी बना रही है कुछ अच्छा अच्छा मीठा चटपटा तीखा बना लियो, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, ऐसा कर बता ही दे। वो माँ जी मैं, चल छोड़ कुछ अच्छा ही बना रही होगी तू, पर मेरे से ना रुका नहीं जा रहा, एक काम करना बता ही दे क्या बना रही है। वो माँ जी, अरे बहू बताना मीठा चटपटा क्या बना रही है। तभी प्रियंका को बहुत तेज की गुस्सा आता है और वो इरिटेट होकर सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी सास की तरफ इशारा करती है और बोलती है, क्या है माँ जी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है, अरे आप यहाँ आने से पहले डिसाइड नहीं कर सकती थी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और क्या खाना है तो क्यों खाना है, और जो नहीं खाना है तो वो क्यों नहीं खाना है, क्यों बोल बोल कर मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा रही हो? अरे कभी कहती हो आपको तीखा और चटपटा खाना है, कभी कहती हो कि आपको मीठा खाना है, और फिर मुझसे कहती हो बहू जो तेरा दिल करे वो बना ले, और जैसे ही बनाने लगती हूँ फिर आप मुझे कहती हो कि बहू रुक जा। अरे इतना बोलोगी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ये लो पकड़ो अपने बर्तन और खुद बना लो जो भी खाना है। बहू चाचा चाकू नीचे कर। क्या डोगे की तरह भौं 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 करे जा रही हैं आप? माँ जी देखिए, मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, ससुराल में मेरा पहला दिन है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ,
सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप बताइए क्या बनाऊँ। बहू, तेरा जो भी मन है वो बना ले, मैं कुछ भी खा लूंगी, घास भी चलेगी। क्या माँ जी, मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ऐसे बिहेवियर से ये बहुत ज्यादा डर गई हैं। माँ जी आप ऐसा कीजिए, आप कमरे में जाइए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए कुछ लेकर आती। जैसे ही प्रियंका अपनी सास को उसके कमरे में उसे सहारे देते हुए छोड़कर लिटाती है तो वो बोलती है, माँ जी मुझसे कितना ज्यादा डर गई हैं, इतना डर गई हैं कि ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। मैं अपने इस ओवरलोडेड गुस्से का क्या करूं? कल रात मैंने निक जी पर निकाल दिया और आज माँ जी पर। हे भगवान, दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, प्लीज दोनों मुझे माफ कर दे बस। ये बोलकर प्रियंका अपनी सास के दोनों हाथ रब करने लगती है और सहलाती है ताकि उसकी सास थोड़ी नॉर्मल हो जाए। बहुत देर तक प्रियंका ऐसा ही करती है और सर दबाते हुए उसे सुला देती है। तभी अपनी माँ को ढूंढते हुए दीपिका आती है और कहती है, अरे माँ कहाँ हो आप, कहीं दिख भी नहीं रही मुझे। अरे दीदी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अचानक से ना बहुत कपकपी से महसूस हो रही थी तो मैंने उन्हें सुला दिया। आप मुझे एक कंबल निकाल कर दे दीजिए प्लीज। पर भाभी अचानक कैसे, रात को तो ठीक थी माँ। दीदी उन्हें ठंड लग रही होगी, वैसे भी तो मौसम बदल रहा है ना। प्रियंका की बात सुनकर दीपिका कंबल निकाल कर दे देती है और 3 घंटों बाद कुंती को होश आता है और वो अपनी बहू को देखकर डरते हुए बोलती है, बहू तू यहाँ। माँ जी मैंने आपसे बेहद ऊंची आवाज में चाकू दिखाकर बात की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बहू। माँ जी आप प्लीज कुछ खा लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। प्रियंका की बात सुनकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर उसकी तारीफ कर प्यार से पहले रसोई का उसे शगुन भी देते हैं। अगले दिन प्रियंका नहा धोकर अपने कमरे में मिरर के आगे खड़ी होती है और बोलती है, कल मेरी वजह से माँ जी और निक दोनों को इतनी प्रॉब्लम हुई, माँ जी को तो मना लिया, अब बस निक को मनाना बाकी है। ये बोलकर प्रियंका अपनी रेड लिपस्टिक निकालकर मिरर पर आई लव यू लिख देती है। तभी उसके हाथ से लिपस्टिक नीचे गिर जाती है और वो जैसे ही उसे उठाती है तो उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं और उसी वक्त दीपिका अपनी भाभी के पास आती है और उसे देखकर डर जाती है। भाभी भूत खून से शीशे पर लिखा है। दीपिका की आवाज़ सुनकर प्रियंका ऐसे ही मुड़ती है और बोलती है, हाँ दीपिका दी। ये सुनकर दीपिका भाग जाती है और अपनी माँ के पीछे छिप जाती है। प्रियंका अपने बाल सही करके इन दोनों के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ दी, आप डर क्यों गई, कमरे के अंदर क्यों नहीं आई। माँ 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 भाभी भूत है, खून से लिख रही थी कुछ शीशे पर। ये क्या बोल रही है दीदी आप। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो मिरर के ऊपर खून से नहीं, मैंने लिपस्टिक से लिखा था इनके लिए। दीपिका तुझे कोई गलत फहमी हो रही होगी बेटा, तू जो सोच रही है तेरा वहम है। नहीं माँ। ऐसे ही शाम के समय सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी प्रियंका के फोन पर कंपनी वालों का कॉल आता है जो उसे बार बार उसकी स्कीम लेने को बोलता है। अरे भैया मैंने आपको बोला था ना कि मुझे ये स्कीम नहीं चाहिए, फिर आप जबरदस्ती मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि नहीं चाहिए। अरे मैम प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। तभी इरिटेट होकर वो गुस्से में बोलती है, क्या स्कीम लगा रखा है, अरे जब एक बार मना कर दिया कि नहीं चाहिए स्कीम तो जबरदस्ती ले लूं। कब से फोन कर करके परेशान किए जा रहे हो, अगर आज के बाद दोबारा मुझे कॉल कर दिया ना तो आपको और आपकी कंपनी को ढूंढकर दोनों को ठोक दूंगी। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और सबको उसका खौफ हो जाता है। अपने ससुराल वालों की शक्ल देखकर वो बोलती है, माँ जी दीपिका दी निक जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझसे डरिए मत, जब भी मैं इरिटेट होती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से मैं ऐसे चिल्लाने लगती हूँ। हमें प्रियंका को समझना चाहिए, अब से हम तुमसे प्यार से ही बात करेंगे और तुम भी हम सबसे प्यार से ही करोगी। सही कहा बेटा तूने। इस तरह सब उससे प्यार से बात करते हैं जिसके बाद वो अपनी बहू से नहीं डरते। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।